मंडी लोकसभा हलके के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रामपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की नवज को टटोला। रामपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे रामस्वरूप शर्मा ने 19 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए मंथन किया। इस दौरान चुनाव प्रचार और सरकार की योजनाओं को दूर दराज कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर रणनीति भी तैयार की गई। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने सांसद की खूब खिंचाई भी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र में शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य आदि संस्थाओं में रिक्त पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल की कार्य समिति, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA ग्राम केंद्रों के अध्यक्ष, जिला और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से चुनाव के लिए जो शेष दिन बचे हैं उसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस दौरान क्या क्या करना है, अपना परिवार भाजपा परिवार, हर घर में झंडा लगे, स्टिकर लगे, केंद्र और प्रदेश की योजनाएं घर घर तक पहुंचे, इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा व युवा मोर्चाओं के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन सभी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। किस तरह का पूरे प्रदेश भर में मंडल सा भारतीय जनता पार्टी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और आज रामपुर मंडल की कार्यशाला थी, जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA, हमारे शक्ति केंद्रों के ग्रामीण केंद्रों के अध्यक्ष, साथ में मंडल की कार्य समिति और तमाम जिला के प्रदेश के जो पदाधिकारी कार्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के माध्यम से आने वाले जो चुनाव के लिए शेष दिन बचे हैं उसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार की है कि इस बीच में क्या क्या करने वाले हैं। अपना परिवार भाजपा परिवार, हर घर पर झंडा लगे, स्टिकर लगे, जो केंद्र की योजना है जयराम ठाकुर जी की सरकार की, जो इन 15 महीनों के कार्यकाल की जो नई नई योजना है उनको लेकर जनता के बीच जाए। दूसरा, मोर्चे जो हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, किसान मोर्चा, इनके बड़े बड़े सम्मेलन किए जाएँ हर विधानसभा क्षेत्र में। और तीसरा, हमारे जो जिला परिषद के वार्ड हैं वहाँ बड़ी जनसभाएँ करना, हर विधानसभा क्षेत्र में 3 या 4 ऐसी जिला परिषद वार्ड बनते हैं, उनमें बड़ी बड़ी जनसभाएँ करना, बाकी प्रदेश के बड़े नेताओं की जनसभाएँ करना, तमाम ऐसी योजनाएँ जिससे आने वाले पार्लियामेंट के चुनावों में हम हिमाचल में चारों की चारों सीटें जीते और पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने।